नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम आपके साथ जो खबर साझा करने वाले हैं उसे सुनकर आपको शॉक तो लगेगा ही, परंतु साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। ये खबर है 15 साल के अब्दुल कादिर इंदौरी के बारे में। दरअसल अब्दुल के दोनों हाथ नहीं हैं, परंतु आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब्दुल के पास स्विमिंग में 3 गोल्ड मेडल हैं और 8 सिल्वर मेडल भी हैं। जी हाँ, अब्दुल स्विमिंग करते हैं। अब्दुल के दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी अब्दुल ऐसे स्विमिंग करते हैं जैसे स्विमिंग के लिए हाथों की ज़रूरत है ही नहीं। अब्दुल अपने सारे काम अपने पैरों से ही करते हैं। दरअसल 7 वर्ष की उम्र में अब्दुल ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। तब से ही अब्दुल अपने सारे काम पैरों से करते हैं। जब उन्होंने अपने दोनों हाथ गंवाए थे तो उनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था और सभी को लगा कि अब्दुल ज़्यादा समय तक शायद ऐसे जी नहीं पाएंगे। परंतु अब्दुल ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने पैरों से ही सभी काम करना सीख लिया। इसको देख के उनके परिवार को भी प्रोत्साहन मिला और साथ ही साथ सब आश्वस्त हो गए कि उनका बेटा सारे काम अच्छे से कर लेगा और एक सर्वाइवर बन के ज़रूर खड़ा उतरेगा। यही नहीं, उनके परिवार को ये नहीं पता था कि 15 वर्ष की उम्र में ही वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। दरअसल अब्दुल जल्द ही 21वें नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं। ये कंपटीशन 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होगा और इस कंपटीशन में 12 अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों से 400 पैरालंपिक स्विमर्स पार्ट लेने वाले हैं। दरअसल अब्दुल का सपना है कि वो भारत को पैरालंपिक स्विमिंग में वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करें और भारत के लिए मेडल लेके आएं। अब्दुल से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो 7 वर्ष के थे तो उनकी मौसी का निधन हो गया था। इसी के चलते उन्हें भोपाल अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। इसी दौरान जब अब्दुल भोपाल में थे तो वो अपने भाई बहनों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। छिपने के लिए अब्दुल छत पर चले गए। छत पर एक हाई टेंशन वायर था जिसने अब्दुल को अपनी तरफ खींच लिया। अब्दुल के दोनों हाथ बुरी तरीके से झुलस गए और अब्दुल को पूरे शरीर में करंट लगा। जैसे ही परिजनों ने ये देखा, वो अब्दुल को तुरंत ही अस्पताल लेके गए, परंतु वहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि अब्दुल के दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। परिवार बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया, परंतु सब चाहते थे कि उनका बेटा जिए, इसलिए उन्होंने अब्दुल के दोनों हाथ कटवा दिए। पहले तो सभी को लगा कि अब्दुल हिम्मत हार जाएगा, परंतु अस्पताल में ही कुछ दिन बाद अब्दुल ने अपने पैरों से लिखना शुरू कर दिया। वो अस्पताल में बैठे बैठे डॉक्टर्स का नाम, अपनी दवाइयों का नाम, सभी कुछ पैरों से लिखता था। ये देखकर उसके परिवार में भी प्रोत्साहना आ गई कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही फिर एक दिन अब्दुल ने अपने पिता से कहा कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है। उनके पिता ने भी अब्दुल में जोश भरा और उन्हें एक स्विमिंग कोच के पास लेके गए। जब कोच ने अब्दुल को देखा तो पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया, परंतु जब अब्दुल ने अपने कपड़े उतारे तो उन्हें समझ आया कि अब्दुल के दोनों हाथ नहीं हैं। कोच भी अचंभित हो गए और सोचने लगे कि उसे कैसे स्विमिंग सिखाएंगे। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के कई और कोचेस से भी बात करी, परंतु किसी के भी पास कोई भी सुझाव नहीं था। जब अपने कोच को अब्दुल ने परेशान देखा तो अब्दुल ने कोच से कहा कि आप मुझे एक बार पानी में तो उतारिए, अगर मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। जब 10 दिन हो गए स्विमिंग करते करते तो कोच को भी यह बात समझ में आ गई कि अब्दुल कहीं भी उतर जाएं या पानी में कहीं भी कूद जाएं, वो पैरों की मदद से किनारे तक तो आ ही जाएंगे। और अब्दुल की हिम्मत और जोश देखकर कोच ने भी हिम्मत नहीं हारी। कोच ने बताया कि शुरू के 10 दिनों में तो बहुत मुश्किल होती थी। जब वो अब्दुल को ट्यूब पहनाते तो ट्यूब उनके सर से बाहर हो जाता था और ऐसे ही बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परंतु धीरे धीरे अब्दुल ने पूरी तरीके से स्विमिंग सीख ली। अब्दुल ने अब तैराकी की सारी बारीकियाँ सीख ली हैं और वो जल्द ही नेशनल पैरालंपिक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले हैं। अब्दुल ने पिछले 8 साल में 3 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। हम आशा करते हैं कि अब्दुल का भारत को रिप्रेजेंट करने का सपना जल्द ही पूरा होगा और अब्दुल जैसे बच्चे ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। इस पूरी खबर के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।